हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका साइंस के इस वीडियो में। और आज का जो टॉपिक है वो है सरल लोलक या सिंपल पेंडुलम और झूले की गति से संबंधित प्रश्न या टॉपिक्स। इस वीडियो में आप यह जान लेंगे कि किस तरह से कोई पेंडुलम जो है उसका आवर्तकाल किस किस चीजों पर मतलब कि आधारित होता है, निर्भर करता है, इन सब बातों को हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सरल लोलक को समझते हैं, ठीक है। तो सरल लोलक को समझने के लिए हम सोचते हैं कि एक स्थिर सतह से हम किसी डोरी को लटकाते हैं और उस डोरी के निचले भाग पर किसी भारी पदार्थ को लटका देते हैं, ठीक है। यहाँ पर डोरी का भार जो है वो शून्य लिया जाता है। मान लिया जाता है कि डोरी का भार क्या है, शून्य है। अब हम देखेंगे कि ये जो संरचना है यह लोलक कहलाएगा। यह संरचना क्या कहलाता है, सरल लोलक कहलाता है, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा विस्थापित करते हैं या इसको थोड़ा सा आगे धक्का देते हैं। अगर हम इसको धक्का देकर के यहां तक ले आते हैं, अगर हम इसको यहां ले आते हैं, ठीक, तो अगर हम इसको यहां ले आएंगे तो क्या होगा कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के कारण यह नीचे की ओर खींचेगा। किसी को भी अगर इसको यहां ले जाए तो ये नीचे जाएगा ना। तो उसी तरह से इसको हमने यहां तक ले आया है तो यहां से क्या होगा, जी के कारण, गुरुत्वीय त्वरण जी के कारण नीचे की ओर जाना चाहेगा। लेकिन यह बंधा हुआ है यहां सतह से, ठोस सतह से यह बंधा हुआ है तो यह नीचे तो जाएगा नहीं। तो इसके कारण क्या होगा कि नीचे की ओर जो बल लगा उस पर सीधा इस तरह प्रभाव पड़ा और ये इधर आएगा तो ये फिर इधर से चल देगा और कहां तक आएगा, यहां तक आ जाएगा, ठीक है। तो इधर से चला और फिर कहां तक आया, यहां से चला, यहां तक आया और फिर यहां से चल के फिर सीधा कहां जाएगा, यहां तक, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि यह एक दोलन पूरा कर लिया। क्या पूरा कर लिया, एक दोलन पूरा कर लिया। तो जब किसी लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है, एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है, ध्यान देंगे, यहां से यहां तक आने में फिर यहां से यहां तक वापस जाने में जो समय लगता है उस समय को आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्तकाल। मतलब कि लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल, जिसको कैपिटल टी से सूचित करते हैं, कहलाता है। अब हम देखते हैं कि लंबाई का क्या प्रभाव पड़ता है इस पर। तो देखिए, हमने इतना लंबा धागा लिया है, ठीक है। अगर हम इस धागे की लंबाई को बढ़ा देते हैं, इतना कर देते हैं, यहां तक ले आते हैं, ठीक। तो आप ध्यान से देखिए, तो ये यहां से यहां तक आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा ना। तो दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब ज्यादा दूरी तक जाने में इसको समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। समय क्या लगेगा, ज्यादा। मतलब कि इसको अगर आप लंबाई को बढ़ा देंगे तो समय ज्यादा लग रहा है, मतलब आवर्तकाल क्या होगा, ज्यादा लगेगा। आवर्तकाल क्या होगा, ज्यादा लगेगा। और इसका संबंध देखें तो टी जो होता है आवर्तकाल, वह लंबाई के, मान लीजिए इसका लंबाई एल है, तो लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, वर्गमूल के समानुपाती, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जी का, कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका प्रभाव पड़ता है कि आवर्तकाल पर, कि टी के समानुपात में या व्युत्क्रमानुपाती होता है जी के वर्गमूल के, ठीक है। आवर्तकाल जी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से आप इस चीज को आप अगर समझ रहे हैं तो ध्यान से देखिए कि अगर आप लंबाई बढ़ाएंगे, लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। समय क्या होगा, बढ़ जाएगा। जबकि आप अगर जी बढ़ाते हैं तो समय क्या होगा, घट जाएगा। सोचिए, समझाते हैं आपको। अगर यह जी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक, तो ये जा रहा है आराम से जा रहा है, ठीक है। अगर इसको हम कर देते हैं 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर में देखेंगे 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर देते हैं, तब क्या होगा, और तेजी से जाएगा, इधर से भी जल्दी से जाएगा। तो जल्दी जल्दी जाएगा मतलब आवर्तकाल घट जाएगा, और अगर धीरे धीरे जाएगा तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात मतलब आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस चीज को हम समझ चुके हैं। अब इस दोनों सूत्र को मर्ज करते हैं, मतलब दोनों कथन को मर्ज करेंगे तो क्या होगा, टी समानुपाती रूट अंडर एल बटा रूट अंडर जी, या इसी को हम लिख सकते हैं टी समानुपाती रूट अंडर
एल बटा जी। ठीक है, अब ये रूट रूट अंडर मतलब समानुपात में है, इसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं, तो किसी ऐसे स्थिरांक से गुना करेंगे जिससे दोनों बराबर है, तो वो स्थिरांक होता है 2 पाई रूट अंडर, ध्यान से अलग लिखते हैं हम, ये स्थिरांक होता है 2 पाई रूट अंडर एल बटा जी। ठीक है, तो यही सूत्र है आवर्त काल ज्ञात करने का, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो अब हम आपको बताते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलिए इसको हम प्रभाव पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमने लंबाई देख लिया कि अगर लंबाई को बढ़ाएंगे, ध्यान से देख लीजिए, अगर लंबाई को बढ़ाएंगे अपन मतलब बढ़ा रहे हैं तो आवर्त काल क्या होगा, बढ़ेगा। लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्त काल क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब लंबाई बढ़ाने से आवर्त काल बढ़ रहा है तो लंबाई को घटा दीजिए तो आवर्त काल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि इसको अगर हम यहां ले आते हैं तो क्या होगा, दूरी घट जाएगी, तो दूरी घट जाएगी तो समय कम लगेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम जी को बढ़ाते हैं, जी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ये क्या है, व्युत्क्रम में समानुपात है, उल्टा समानुपात है, मतलब इसको बढ़ाओ तो ये घटेगा और इसको घटाओ तो ये बढ़ेगा। तो अगर g को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, t का मान घट जाएगा, और g को अगर कम कर देते हैं तो t का मान बढ़ जाएगा। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, या आप सीधे लिख सकते हैं, शाब्दिक रूप में लिख सकते हैं कि लंबाई बढ़ाने पर आवर्त काल बढ़ जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण बढ़ाने पर आवर्त काल घट जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण घटाने पर आवर्त काल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों को समझने के बाद चलिए हम आगे समझते हैं जो प्रश्न बनते हैं उसको। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि किसी लोलक को, मान लेते हैं यही लोलक था, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं कि चंद्रमा पर ले जाते हैं, कहां ले जाते हैं, चंद्रमा पर। ठीक है, लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण के बारे में आप समझ चुके हैं, ध्यान से देखिए वीडियो को आप तो समझ रहे हैं। अगर हम इसको क्या करते हैं, चंद्रमा पर ले जाते हैं, तो चंद्रमा पर आपको पता है कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण अगर जी है तो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण 1/, मतलब कि 1/6 गुना है, जी गुने 1/6। ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण अगर जी है तो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण क्या है, जी का 1/6, मतलब कि पृथ्वी से 1/6 गुना है, किसका, चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण। या आप सीधा कह सकते हैं कि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी से कम है, क्या है, कम। तो जब पृथ्वी से चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण कम है, तो जब गुरुत्वीय त्वरण कम है, गुरुत्वीय त्वरण क्या है, कम है, तो आवर्त काल क्या होगा, बढ़ जाएगा। आवर्त काल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब कि अगर लोलक को आप चंद्रमा पर ले जाते हैं तो वहां आवर्त काल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वहां आवर्त काल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसी को हम लोलक को ले चलते हैं अंतरिक्ष में, कहां ले चलते हैं, अंतरिक्ष में, वहां क्या है, वहां जी है ही नहीं। ठीक, मतलब ये अगर यहां आ गया है, अगर हमने यहां पर इसको कर दिया है तो ये कब यहां तक आएगा, तो अनंत समय लगेगा। ठीक है, तो अगर हम अंतरिक्ष में ले जाते हैं, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को कि अंतरिक्ष में ले जाते हैं, इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी बताए जाएंगे अभी। अगर अंतरिक्ष में ले जाते हैं तो जो लोलक का आवर्त काल है वो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, इस बात को आप नोट कर लेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्या प्रश्न बनता है इससे, तो अगला प्रश्न बनता है, अब हम पेंडुलम घड़ी पर बात करते हैं। पेंडुलम घड़ी आपने देखा है, बहुत घड़ी में एक पेंडुलम लटका होता है और ये झूल रहा होता है, ठीक है, झूल रहा होता है। ठीक है, तो पेंडुलम घड़ी में जो लोलक होता है उसको कहते हैं, मतलब कि उसको कहते हैं सेकेंड वाला लोलक, क्या कहते हैं, सेकेंडरी लोलक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका आवर्त काल जो होता है 2 सेकेंड होता है, ध्यान रखेंगे लिख लेंगे कि लोलक घड़ी या पेंडुलम घड़ी का आवर्त काल कितना होता है, पेंडुलम घड़ी के पेंडुलम का आवर्त काल कितना होता है, तो 2 सेकेंड होता है, क्योंकि 1 सेकेंड में जाता है, फिर अगले सेकेंड आता है, फिर अगले सेकेंड जाता है, फिर अगले सेकेंड आता है, तो आकर जाने में कितना समय, 2 सेकेंड लग जाएगा। तो पेंडुलम घड़ी का जो आवर्त काल होगा उसके पेंडुलम का या लोलक का, वो क्या होगा, 2 सेकेंड होगा, इस बात को याद रखिए। अब देखिए हम इस पेंडुलम घड़ी को सपोज कीजिए, हम इस पेंडुलम घड़ी को क्या करते हैं कि चंद्रमा पर ले जाते हैं, पेंडुलम घड़ी को क्या करते हैं, चंद्रमा पर ले जाते हैं, तो हम जान रहे हैं कि चंद्रमा पर जी का मान कम हो जाता है,
चंद्रमा पर जी का मान क्या होता है, कम हो जाता है, तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। मतलब कि यह जो पेंडुलम है यह आराम से यहां तक आएगा और आराम से फिर यहां तक आएगा, मतलब यहां से यहां जाने और यहां से यहां आने में बहुत समय लगेगा। तो सोचिए पेंडुलम की एक स्थिति होती है कि वो अपने स्पीड से घूमता रहेगा और समय धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, लेकिन अगर वो धीमा हो जाए तो समय और धीरे धीरे बढ़ेगा, मतलब कि वहां पर घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। अगर हम चंद्रमा पर पेंडुलम घड़ी ले जाए तो क्या हो जाएगी, घड़ी सुस्त हो जाएगी, क्योंकि आवर्तकाल बढ़ जाएगा, उसका समय डोलने का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, धीमे धीमे डोलेगी तो समय क्या लगेंगे, ज्यादा लगेंगे, अर्थात घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। ठीक है, उसी पेंडुलम घड़ी को अगर आप अंतरिक्ष में ले जाते हैं तो उसका जो समय होगा वो अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत, मतलब कि वो सुस्त नहीं, इतनी सुस्त हो जाएगी कि उसको हम कहेंगे कि अनंत, उसका दोलन काल क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगी। ठीक है, तो इन बातों को समझने के बाद अब देखिए अगला क्या प्रश्न बनता है, सबको नोट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहां से प्रश्न आपको बार बार मिलेंगे। अब चलिए हम आगे देखते हैं झूले की गति से पर आधारित प्रश्न। देखिए अगर हम कोई झूला लेते हैं, ठीक है, हम झूला लेते हैं, अब झूला पर एक लड़की बैठी हुई है या लड़का बैठा हुआ है, कोई है। ठीक है, अब देखिए कि इसका जो लंबाई है यह तो विशेष है लंबाई। ठीक है, अगर इसके लंबाई को आप बढ़ा देंगे, अगर इसके लंबाई को बढ़ा देंगे तो पहले ही क्या किया गया है कि अगर एल बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, मतलब अगर लंबाई बढ़ा देंगे तो ज्यादा दूर तक जाएगा, ज्यादा दूर तक इधर जाएगा तो ज्यादा समय लेगा, मतलब आवर्तकाल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहां सूत्र से क्या पता चल रहा है आपको, आवर्तकाल। एक क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में बार बार कि लोलक का आवर्तकाल या किसी झूले का आवर्तकाल निर्भर करता है लंबाई पर, गुरुत्वीय त्वरण पर, द्रव्यमान पर, सभी पर। अधिकतर बच्चे सभी मान लेते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए सूत्र में आपको एल दिख रहा है, जी दिख रहा है, लेकिन एम नहीं दिख रहा है। मैंने अभी तक द्रव्यमान की चर्चा नहीं की है यहां। ठीक है, मतलब कि जो आप सीधा बात समझिए कि आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, आवर्तकाल निर्भर करता है तो लंबाई पर और जी पर, गुरुत्वीय त्वरण पर। तो देखिए यहां कि इस पर अगर एक और लड़का आकर बैठ जाए, ये झूला झूल रहा है और इस पर एक और लड़का आकर के बैठ जाए, ठीक है, तो क्या इसका लंबाई बढ़ा है, तो नहीं बढ़ा। एक और लड़का के बैठ जाने से लंबाई तो नहीं बढ़ा, तो लंबाई नहीं बढ़ा। जी का मान बढ़ा या घटा है, तो नहीं, जी का मान तो उतना ही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ना जी बढ़ा है ना एल बढ़ा है, तो क्या इसका आवर्तकाल बदलेगा, तो नहीं बदलेगा। तो अगर एक और लड़का आकर के बैठ भी गया, ठीक है, फिर भी इसका आवर्तकाल परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, ये प्रश्न बनते हैं। एक और प्रश्न बनता है, ध्यान से समझिएगा इस बात को भी, प्रत्येक पदार्थ का, प्रत्येक वस्तु का एक गुरुत्व केंद्र होता है, एक गुरुत्व केंद्र होता है जहां पर विशेष रूप से गुरुत्वाकर्षण बल वहीं पर कार्य करता है। अब देखिए कोई लड़का यहां पर झूला झूल रहा है, ठीक है, अब यह क्या होता है कि एकाएक खड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है, यह लड़का एकाएक खड़ा हो गया, तो खड़ा हो जाने के कारण क्या हुआ कि इसका गुरुत्व केंद्र पहले यहां था, इसका गुरुत्व केंद्र पहले बैठा हुआ था तो यहां था, अब गुरुत्व केंद्र इसका यहां चला गया। ठीक है, तो गुरुत्व केंद्र यहां चला गया, तो आप देखिए पहले लंबाई कहां, यहां से यहां तक थी, अब गुरुत्व केंद्र यहां है तो लंबाई तो यहां से यहां हो गई, तो लंबाई क्या हो गई, घट गई, लंबाई क्या हो गई, घट गई। और जब लंबाई घट जाएगा, यहां से देखिए जब लंबाई घटेगी तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि आवर्तकाल भी घट जाता है। ठीक है, जो कि यहां पर दिखाई दे रहा है आपको। तो जब लड़का एकाएक खड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आवर्तकाल घट जाएगी। ठीक है, एक और अगर आकर के बैठ गया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आवर्तकाल पर, अगर यह खड़ा हो गया तो गुरुत्वीय केंद्र ऊपर चला जाता है जिस कारण से लंबाई में कमी देखी जाती है, कमी हो जाती है, जिस कारण झूला अब धीरे धीरे झूलने लगेगा और रुक जाएगा। ठीक है, या धीरे धीरे थोड़ी देर बाद रुकेगा, तो इस तरह से इसका आवर्तकाल घट जाता है जब वह खड़ा हो जाता है। तो इस पर आधारित जो ये प्रश्न बनते थे, जो शाब्दिक प्रश्न थे, उनको मैंने क्लियर कर दिया है। अब बारी बारी से जिन प्रश्नों को मैंने बताया सबको नोट कर लेंगे, जिन पॉइंट को बताया उनको नोट कर लेंगे। एक बात और लिख लेंगे कि दोलन, मतलब कि दोलन काल या आवर्तकाल जो है यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है।
ठीक है। तो चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं और उस न्यूमेरिकल को बनाते हैं, ठीक है, जो कि इस सूत्र से बनेगा। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है यदि किसी लोलक का लंबाई, लंबाई को ये लिख रहे हैं, दोगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्त आवर्तकाल कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास सूत्र है टी बराबर आवर्तकाल बराबर 2π रूट अंडर एल बटा जी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लंबाई को हम मानते हैं एक, पहले से लंबाई को क्या मानना है एक, गुरुत्वीय त्वरण जी भी उसी तरह से है। अब हम टी डैश मानते हैं जो कि हम बदलते हैं इस, अब इसका क्या करते हैं लंबाई को दुगना करते हैं, तो 2π रूट अंडर पहले लंबाई एल है, अब लंबाई क्या हो जाएगा दुगना कर रहे हैं तो 2l बटा जी। ठीक है, अब दोनों को हम सापेक्ष लाते हैं और तब देखते हैं टी बटा टी डैश बराबर 2π इंटू रूट अंडर एल बटा जी, फिर बटा में ये टी बाई टी डैश बटा में है तो इसको भी बटा में करते हैं 2π रूट अंडर 2l बटा में जी। अब देखिए जो समान पद है वे तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, अब बच जा रहा है क्या, तो हमारा बच रहा है टी बाय टी डैश इक्वल टू यहां पर क्या बच रहा है, ये तो कैंसिल है, यहां पर एक बच रहा है, क्या बच रहा है रूट वन, और यहां क्या बच रहा है केवल रूट टू, तो रूट वन का मान तो वन ही होता है तो ये वन बाय रूट टू। अब क्या करेंगे हम इसको आगे ले जाएंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो टी डैश इक्वल टू इसका इससे गुना किए तो एक टी डैश ही रह जाएगा, इसका इससे गुना करेंगे तो टी गुने रूट अंडर टू। तो देखिए यहाँ पहले आवर्तकाल टी था, अब आवर्तकाल कितना गुना हो गया तो रूट दो गुना हो गया, क्या हो गया रूट दो गुना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर लोलक की लंबाई को दुगुना कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल कितना गुना हो जाएगा तो रूट दो गुना हो जाएगा। इस तरह से अगर तीन गुना कर दिया जाए या जितना गुना भी कर दिया जाए, ठीक है, आप इससे बना सकते हैं प्रश्नों को। तो आज हमने जो भी प्रश्न देखे हैं उन सबको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी पर, और इस पर आधारित बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, धन्यवाद।